अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा दिवस है पूरा योग कर रहे हैं। इसका श्रेय भारत को और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को जाना। यदि वो योग के बारे में विश्व को नहीं बताते तो आज पूरा विश्व जो योगमय बन गया है वो नहीं बन गया। हम सबको पता है कि योग से क्या फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा के लिए नहीं लेकिन पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाए। गरीब बिल्कुल नहीं कहीं नहीं जाना है। गरीबाई मिटाने के लिए सब इकट्ठा हो, पर्यावरण के बारे में सोचे, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे और पड़ोसी के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचे। इस सब विषय को लेकर ये योग करना चाहिए, सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं लेकिन दुनिया में जो आबादी है वो आबादी भी स्वस्थ रहे, शांत रहे और सबको जीने का मौका मिले, सबको जीने का मौका मिले। इतना ही नहीं, हमारा मन मस्तिष्क इतना दृढ़ हो कि किसी की और बुरी नज़र भी हम न करें। अरे सर पीछे कर। और ऐसा जो मन दृढ़ होगा तो आज हमारे देश में जो छोटी छोटी लड़कियों पर रेप हो रहा है या किनमई हो रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है, वो परेशानी नहीं अंतर्राष्ट्रीय। इसीलिए आज योग का महत्व पूरे विश्व को जान लिया है और हम भी जानते हैं। तमाम मैं प्रदेश तो सालों से करती रही हूँ लगभग सभी प्रदेश, लेकिन मैं इधर आई बोलकर उसके बाद मुझे लगा कि राजभवन भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए ओपन होना चाहिए। जिसको जो चाहिए इधर आइए, बैठिए, योग कीजिए। इधर सुबह में 6 बजे से 1 घंटे तक योग चलता है, बाहर से भी आना चाहिए, कोई मनाही नहीं है वहाँ आने की। और हमारे योग गुरु वो योग करवाते हैं। गवर्नर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेशों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, तमाम प्रदेश